नमस्कार सर। सत्साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? गोरखदास। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेमनगर लुधियाना पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मंगलवार का व्रत करते थे, शिव जी के जल चढ़ाते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी हमारे एक दोस्त है वहाँ पे भक्ति साधना करना नाम संदेश की पुस्तक पहुँची थी और वो दोस्त ने पढ़ाने पर मैं कबीरपंथी था उसके बाद में, तो वो जानता था ये कबीरपंथी है और उसने मुझे दिया। जब उसने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दे रहा था तो हमारे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे लेने के लिए, पर फिर भी हिम्मत परमात्मा ने कराई और उस पुस्तक को लिया। जब लिया, जब पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते हमें इतना वो हुआ कि जो हमारी दवाइयाँ चल रही थी पहले, जैसा कि एयरकॉर्ड में ले रखा हूँ, तो उस पुस्तक पढ़ने मात्र से हमारी दवाइयाँ वो छूट गई, जो कि हम बिना दवाई खाए एक पल भी चल नहीं पाते थे। और जब पुस्तक पढ़ना, किसी कारण से हमने काम ज़्यादा होने के कारण हम पुस्तक नहीं पढ़ पाए जिस दिन, उस दिन से हमें दवाइयाँ फिर खाना शुरू हो गया। उसके बाद फिर पुस्तक में पढ़ना शुरू किया पर वो बात नहीं हुई। पुस्तक पढ़ते पढ़ते मतलब हमें ये हुआ कि हम कैसे वहाँ पे पहुँचे। फिर रात में परमात्मा से प्रार्थना की, दाता हम तो कभी देखा भी नहीं बरवाला आश्रम कहाँ पे क्या है, आप ही दया करो। फिर उसी के दूसरे ही दिन सुबह जब हम नाई की दुकान पर अपना बाल कटवाने गए थे, वहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला का ही भगत पहले से सेव करा रहा था, तो वो नाई से चर्चा कर रहा था वो भगत, तो उससे मैंने सुनी सतलोक की कहानी, तो उससे पूछा भगत जी ये तो सतलोक की आप बात कर रहे हो? तो वो भगत बोला हाँ जी वहीं का हूँ। तो आप कैसे? मैं कहा मैं तो किताब पढ़ा हूँ, आप कैसे वहाँ से? कहते हम वहाँ जाते रहते। तो फिर उसको बोला मैं कि भाई आप मुझे भी लेके चलना, तो बोला ठीक है आज के मतलब पूर्णिमा को सत्संग होगा वो, उस पे हम चलेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद तो कई लाभ हुए जी, जैसे हमारी दवाइयाँ छूटी, मेरे को पैरालिसिस हो गया था दिमाग में रसोली के कारण, ये उसी दवाइयों के हैं जो हम पहले दवाइयाँ खाया करते थे। ये रिपोर्टें हैं, अल्ट्रासाउंड है सर, पैरालिसिस हुआ था सिर में, गांठ के कारण ऐसा हुआ था, जो कि डॉक्टरों से काफ़ी दिन तक इलाज करवाया, 7-8 इलाज करवाया पर नहीं फायदा हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया फिर उसके बाद लाभ हुआ, और कई लाभ हुए सर जी, जैसे हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हुआ करती, इस समय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल की रजा से हमारे सारे सुख हो रहे हैं, कमाई भी अच्छी हो रही, और जो और खर्चे थे दवाइयों के ये जो खर्चे जाते थे ये भी बिल्कुल सीमित हो गए। कभी बुखार की या किसी और चीज़ की दवाई लेनी पड़ती, बाकी वैसे पर्सनल कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। और पहले गाड़ी चलाया करते थे तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाया करता था, पर अब जब भी गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल सेम सही चलती, सब कुछ होता है, ना कोई एक्सीडेंट होता ना कुछ होता है। नहीं पहले कई बार ऐसा हो गए थे। सर क्या आप नशा भी करते थे? पहले करते थे, बीड़ी सिगरेट ये सब करते थे, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया सारी बुराइयां त्याग दी, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हैं। सर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए, यह कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोग नशा मुक्त हो रहे हैं? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज मंत्र जाप बताते हैं, उस मंत्र जाप करने से ही सारी बुराइयां छूट जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की शरण में आए और सारी बुराइयों को त्यागे और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? के लिए ये है कि भाई जो टेलीविजन साधना चैनल चलता है उस पे पीले रंग की पट्टी आती है, उसमें वो नंबर होते हैं, उन नंबर पे आप फोन करो और उन फोन नंबर से जो भी भगत भाई फोन उठाएंगे वो आपको हर जिले का मतलब स्थान बता देंगे कि फला जगह पे यहाँ पे नामदान सेंटर हैं और वहाँ से आप नाम लें। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।